नमस्ते स्टूडेंट्स, हमने ट्वेल्थ क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पर्यावरणीय समस्याएं और समाधान। ये हम पढ़ रहे थे तो इसमें अपन ने पर्यावरण के बारे में समझा, पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषाएं पढ़ ली, पर्यावरणीय समस्याएं क्या होती है वो चीज़ अपन ने पढ़ी, पर्यावरणीय प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण में अपन ने प्रदूषण के प्रकार देखे जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आता है उस टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं। आज शुरू करेंगे अपने जल भूमि प्रदूषण के बाद में अपना जो टॉपिक है वो है अम्लीय वर्षा। अभी अम्लीय वर्षा यानी कुछ ऐसी गैसें होती है जो पानी में मिल करके धरातल पर पहुँचती है तो उसको अपन अम्लीय वर्षा की श्रेणी में मानते हैं। वो गैसें कौन सी होती है उन चीज़ों के बारे में अपन आज देखेंगे। तो इसमें अपन देखते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कई बार अपने जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनसे निकला हुआ धुआं होता है, अपने जो विद्युत उत्पादन करते हैं तो वहाँ से निकली हुई कुछ गैसें होती हैं जो वायुमंडल में पहुँच जाती है और जब वायुमंडल से बारिश के रूप में पानी के साथ मिलकर के जब ये धरातल पर लौटती है तो उसको अपन अम्लीय वर्षा के नाम से जानती है। और ये मानव जीवन के लिए और साथ साथ धरातल पर निवास करने वाले जीवों के लिए क्या होती है, घातक होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके माध्यम से अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है, अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव नष्ट हो जाते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा, तो इसको विस्तार से पढ़ते हैं अपन ध्यान से। अब आगे देखो ध्यान से, अम्लीय वर्षा वस्तुतः विभिन्न उद्योगों की विविध उत्पादन क्रियाओं से, अब अनेक प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनमें जो उत्पादन क्रियाएं होती है, वस्तु निर्माण की प्रक्रिया जो होती है, उन क्रियाओं से निकले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये महत्वपूर्ण गैसें CO2, SO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे वायुमंडल में जल वाष्प तथा बारिश के पानी से मिलकर किस अवस्था में पहुंच जाती है, अम्लीय अवस्था में पहुंच जाती है, अम्लीय अवस्था में आ जाती है। वह वर्षा जिसके पानी में ये गैसें पाई जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा के नाम से अपन उसको जानते हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड यदि किसी वर्षा के पानी में मिला हुआ है तो वो वर्षा कहलाती है अम्लीय वर्षा। सामान्यतः वातावरण में 60 से 90% अम्लीयता होती है, लेकिन H2SO4 के कारण, H2SO4 जो गैस है उसके कारण 30 से 40%, HNO3 के कारण, अब इसमें 60 से 90% अम्लीयता तो सामान्य अवस्था में होती है, लेकिन H2SO4 जो गैस है उस गैस के कारण तथा 30 से 40% HNO3 हाइड्रोक्लोराइड जो होती है सल्फ्यूरिक अम्ल वाली जो, यानी जिससे अम्ल का निर्माण होता है, तो SO2 + H2O दोनों मिश्र मिलकर के कौन सी गैस बनती है। अब अपन ने ऊपर बात की H2SO4, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 के कारण अम्लीयता जो होती है वो HNO3 यानी NO2 और H2O, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और H2O यानी जल, दोनों क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो पानी के साथ मिलकर के क्या करती है, इस प्रकार के अम्ल का निर्माण करती है जो मानव जीवन के लिए या धरातल पर निवास करने वाले जीवों के लिए बहुत ही घातक होता है। अम्ल वर्षा से संबंधित जल का पीएच मान, अम्लीय वर्षा जो होती है उसके जल का पीएच मान 5 से लेकर 2.5 के बीच में होता है, 5 से 2.5 के मध्य। तो जो pH 7 जो मान है, pH का तटस्थ मान यानी दूर जो नज़दीक वाला या दूर वाला जो मान है वो 7 है, जिससे कम मान अम्लता तथा अधिक मान क्षारीयता का प्रति, अब 7 जो होता है सामान्य होता है pH का जो मान है यानी उसमें अम्ल की मात्रा तो 7 पे नॉर्मल होती है, और 7 से यदि अधिक है तो वो सार यानी लवणता का प्रतीक होता है, और यदि उससे कम है तो वो अम्लता का प्रतीक होता है। इसलिए 7 जो है नज़दीक है, 5 से 2.5 के बीच में जो अम्लीयता की मात्रा पाई जाती है वो pH 7 का तटस्थ मान है, और इससे कम मान अम्लता का और अधिक मान लवणता या क्षारीयता का प्रतीक माना जाता है। अम्लीय वर्षा में आयनों का स्तर बहुत ऊंचे बढ़ जाता है, अम्लीय जो वर्षा होती है उसमें आयन जो होते हैं उनका स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाता है। अब ये तो अपन सिंपल शब्दों में कहें कि अम्लीय वर्षा जो होती है ये होती है। अब इसमें बात करें कि अम्लीय वर्षा के कारण, ये किस कारण से अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण दिए हुए कि अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO नाइट्रोजन और CO कार्बन डाइऑक्साइड है, तथा सल्फर डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया द्वारा H2SO4 जो अपन ने भी देखा था H2SO4 SO2 + H2O जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। तो SO2 के निम्न स्रोत, SO2 कहाँ से मिलती है, तो उसके निम्न स्रोत कहाँ कहाँ से उत्पादन
SO2 का उत्पादन होता है, तो उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे ऑटोमोबाइल से निकला हुआ धुआं होता है, कोयले को जलाने से निकला हुआ धुआं, या जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं उनकी वजह से वातावरण में इस गैस का की उपस्थिति पाई जाती है SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की। तथा इसके बाद में नेक्स्ट ताप शक्ति ग्रह, जहाँ पर विद्युत उत्पन्न करने हेतु भारी मात्रा में कोयले को जलाया जाता है, तो वहाँ पर भी इसकी उपस्थिति पाई जाती है वायुमंडल में। खनिज तेल शोधनशालाएँ, जहाँ पर खनिज तेल अपन एस के माध्यम से खनिज तेलों को निकालते हैं, फिर उनका शुद्धिकरण करते हैं, शोधनशालाएँ जो होती हैं उनके, तो वहाँ पर भी इस गैस की उपलब्धता होती है। स्वचालित जो वाहन होते हैं उनके माध्यम से भी गैस की अधिकता देखने को मिलती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, जीवाश्म यानी जो अपन हरे भरे वृक्षों को जलाते हैं, तो जंगलों में कई बार आग लग जाती है, तो उसके कारण जो जीवाश्म ईंधन है उसके कारण भी SO2 का अब उस वायुमंडल में उपस्थिति पाई जाती है। तो ये महत्वपूर्ण ऐसे कारण है जिसकी वजह से SO2 गैस उत्सर्जित होती है। अब इसमें कुछ डायग्राम के माध्यम से ये दिया हुआ है अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा अपन उसको कहेंगे ऐसी वर्षा जिसमें SO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन, CO2 आदि घुले रहते हैं, यानी सारे के सारे इसमें मिले रहते हैं जल में। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, मछलियों के अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उन बच्चों को निकलने वाली प्रक्रिया इससे प्रभावित होती है, यानी वो अंडे कई बार नष्ट हो जाते हैं। 5 से कम pH होने पर, जब 5 से नीचे pH आ जाता है, तो जो वयस्क मछलियाँ होती है वो मछलियों क्या होती है, 5 से नीचे pH आने पर वयस्क मछलियाँ जो होती है जल में समाप्त हो जाती है, जल में मर जाती है। अम्ल वर्षा से कीड़ों और मछलियों की कुछ प्रजातियां आज लगभग समाप्त हो चुकी है। मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो इस अम्ल वर्षा के कारण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और मिट्टी की रासायनिक संरचना को भी क्या करते हैं, बदलने का कार्य करते हैं। मिट्टी की रासायनिक संरचना, क्योंकि अपनी जो मिट्टी है उसको उसी प्रकार की रासायनिक संरचना में बनाए रखने का काम जो कीट होते हैं, बारीक कीट, वो लेकिन वो क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा के कारण कई बार नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन इसी में आगे देखो, अम्ल वर्षा सेम वही चीज़ है, लेकिन उसमें ऐसी वर्षा जिसमें SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले रहते हैं, तो उसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अधिक ऊंचाई पर स्थित वन ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे अक्सर बादलों और कोहरे से क्या है, घिरे रहते हैं, जो ऐसी वर्षा से और अधिक अम्लीयता ग्रहण कर लेते हैं, और कई बार उनके जो पेड़ होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो सूख जाते हैं। ये इमारतों और ऐतिहासिक स्मारकों को भी क्षति पहुँचाने का, अम्लीय वर्षा जो होती है वो जो प्राचीनकालीन जो इमारतें होती हैं या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती है, ऐतिहासिक चीज़ें जो प्राचीनकालीन चीज़ें होती है उनको भी क्षति यानी नुकसान पहुंचाता है। अम्ल वर्षा के जल में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल पत्रों जैसे चूना, अब पत्रों की बात कर रहे हैं कि यह क्या करता है, चूना पत्थर पर किस प्रकार इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा जल में उपस्थित सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है पत्रों से चूना, बलुआ पत्थर, चूना हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, कैल्शियम यौगिकों के साथ रासायनिक क्रिया करता है और जिप्सम बनाता है, और जिप्सम बनाने का कार्य करता है, फिर पपड़ी के रूप में ये झड़ जाता है। अभी अपने देखते हैं कई बार पत्रों के ऊपर कुछ ऐसा पानी गिर जाता है तो उसके कारण उसके ऊपर पपड़ी आ जाती है, और वो जो पपड़ी होती है वो जिप्सम होती है, जिप्सम की पपड़ी के रूप में उसको, अब उसको क्या करता है, धीरे धीरे इस प्रकार जिप्सम की पपड़ियाँ होती है निकलती रहती है और वो पत्थर कमज़ोर होता जाता है, तो ये इसके लिए भी हानिकारक माना गया है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या है, तो अम्लीय वर्षा के जो महत्वपूर्ण प्रभाव है, मिट्टी की उत्पादकता घट जाती है, अधिक अम्लता के कारण मिट्टी के खनिज और पोषक तत्व धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं। अम्लीय वर्षा का दुष्प्रभाव एक स्थान विशेष तक ही सीमित नहीं रहता, और नहीं ये SO2 और NO2 उगलने वाले नेक्स्ट औद्योगिक और परिवहन स्रोतों तक सीमित रहता है, ये स्रोतों से दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों को भी प्रभावित करने का काम करता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक वायु के वेग के साथ वायु की दिशा में हजारों किलोमीटर दूर तक ये जो होती है अम्लीय वर्षा, जिसके कण जो होते हैं दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी कारक वायु के वेग के साथ वायु की दिशा में हजारों किलोमीटर दूर तक बह जाते हैं, और आर्द्रता पाकर अम्लीय वर्षा के रूप में ये हर स्थान पर गिरने के, जिस स्थान पर गिरेंगे वहाँ की धरातल को क्या करते हैं, ये बंजर बनाने का काम करते हैं। पेयजल भंडार दूषित हो जाते हैं अम्लीय वर्षा से, मानव में सांस त्वचा की बीमारियां हो जाती है, आंखों में जलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ये अम्लीय वर्षा से होने वाली बीमारियों के नाम है। अम्लीय वर्षा का वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे पत्तियों की सतह पर मोम जैसी परत जमा हो जाती है, पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण वृद्धि,
जनन, वात्सोत्सर्जन आदि जैविक क्रियाएं मंद पड़ जाती है। जर्मनी में 8% के लगभग इस अम्लीय वर्षा के कारण जर्मनी में 8% वन जो है धीरे धीरे नष्ट हो गए। जल स्रोतों और झील, नदी आदि की अम्लीयता बढ़ने से पानी के जीवों और वनस्पतियों पर हानिकारक असर होता है। अमेरिका और नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में अम्ल वर्षा के कारण अधिकांश झीलों के जैविक समुदाय समाप्त हो गए। अम्ल वर्षा से मृदा की अम्लता, अम्ल वर्षा जो होती है उसे मृदा में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पादप और जंतु जगत को बहुत ज़्यादा हानि होती है। जैविक प्रक्रियाएं जो होती है वो उसका अवनयन यानी वो नष्ट हो जाती है। इससे भवनों को संरक्षण के कारण क्षति होती है। इस अम्लीय वर्षा से जो अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पत्थर के ऊपर भी ये इफेक्ट डालती है, उसको जिप्सम में कन्वर्ट करती है और उसकी पपड़ियाँ उतरने लग जाती है। तो यही पत्थर और संगमरमर विशेष रूप से इससे प्रभावित होता है। यूनान, इटली, कई यूरोपियन देशों में संगमरमर से बनी मूर्तियाँ तथा आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण आज धुंधला दिखाई। ताजमहल बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन आज वर्तमान में उसको देखते हैं तो धुंधलापन नज़र आने लग गया उसके ऊपर भी। अब इसके समाधान क्या है अम्लीय वर्षा के? तो इसके समाधान तो सीधे अपन सोचें कि जो जिन जिन चीज़ों से इन गैसों का उत्सर्जन होता है वो कम कर दिया जाए तो इसका समाधान है। तो इसको एक बार विस्तारित रूप में और पढ़ लेते हैं अपन। अम्ल वर्षा पर्यावरण संबंधी मौजूदा समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अम्ल वर्षा अति प्रदूषित इलाकों में बड़ी दूर तक बड़ी आसानी से फैलती है और अम्लीय वर्षा के लिए मानवीय उत्पादन मुख्य रूप से जिम्मेदार, मानव ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है इसके लिए। मानव अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या करता है, बहुत सारे कार्य करता है, उन उत्पादन करता है, उन कार्यों उत्पादनों से क्या होता है ये अम्ल जो होते हैं यानी जो गैसें जो होती है उत्सर्जित होती है। विभिन्न स्रोतों से अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली SO2 एवं NO2 के उत्पादन पर नियंत्रण किया जाए, इससे वातावरण में घुलने से उनको रोका जा सकता है। अब इसमें बात करना है कि अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने वाली जो गैसें होती है जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्पादन पर नियंत्रण किया जाए तो इसे वातावरण में घुलने से अगर रोका जाए तो ये कम किया जा सकता है। उद्योगों में स्कार्बिश का उपयोग करें, स्कार्बिश का मतलब होता है जो गैसों का उत्सर्जन कम से कम करे, तो इसके माध्यम से स्कार्ब का उपयोग कर बैग फिल्टर और कोलाइंटन टैंक बना करके इसका उत्सर्जन अपन रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देकर के हम इस गैसों का उत्सर्जन रोक सकते हैं। व्यक्तिगत वाहनों का कम से कम प्रयोग करें और समय समय पर वाहनों की जांच करवाते रहें, यानी प्रदूषण जांच लगातार होती रहनी चाहिए। जल स्रोतों जहाँ पानी की अम्लीयता बढ़ जाती है वहाँ पानी में चूना डाला जाए और इस अब चूना डालने से क्या होता है उस पानी की अम्लीयता समाप्त हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। इस प्रकार मिट्टी की अम्लीयता नष्ट करने हेतु भी चूने का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश भारतीय नगरों में वर्षा जल में अम्लता का स्तर सुरक्षा सीमा से कम है, यानी जो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखते हैं तो उससे थोड़ी कम है इसकी मात्रा, लेकिन बढ़ते उद्योग और इकाइयों से हानिकारक गैसों की सांद्रता का अधिकता पर रोकथाम पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रही है और हमें अपने देश की औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने देश की औद्योगिक इकाइयों को नियंत्रित करके वहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसें उत्सर्जित होती है उनका उत्सर्जन कम से कम कर सकते हैं और कम करके ही हम इस गैस का उत्सर्जन रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे हरित गृह प्रभाव। इस हरित गृह प्रभाव के बारे में आप 12th जो बच्चे हैं वो ध्यान से एक बार पहले चैप्टर को रीड कर लें ताकि ये आसानी से समझ में भी आ जाए। अब नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा अपना इसी चैप्टर का हरित गृह प्रभाव। नमस्कार।